टाइम हमने इथेन के कंफर्मेशन पढ़ लिए थे, उसका एनर्जी लेवल डायग्राम कर लिया था ना, कंफर्मेशनल आइसोमर्स में एनर्जी लेवल डायग्राम और कंफर्मेशन ऑफ इथेन प्लस डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लिया था, है ना, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लिया था। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया होगा शायद, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये करवाया था कि नहीं, इसका म्यू ऑब्जर्व्ड जो आएगा वो आएगा हमारा म्यू गॉच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच, डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉच प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच प्लस म्यू एन टी, एन टी या स्टैगर फॉर्म कह लो, एन टी स्टैगर ट्रांस एन टी पेरी प्लेनर कोई भी फॉर्म कह सकते हैं इसको, इंटू एक्स ए, इंटू एक्स ए, ये फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है। अभी मैं इसको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, अगर मैंने नहीं भी कराया तो, अदरवाइज तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना। और मैक्सिमम केसेस में म्यू ए डेवलपमेंट ऑफ एन टी या ट्रांस क्या होती है, जीरो होती है, मैक्सिमम केसेस में जीरो फॉर्म आती है, म्यू ए क्या आएगा जीरो, अगर सिमेट्रिकल बिल्कुल है। मैंने एग्जाम्पल लिए थे इसके, अगर हमारे पास ऊपर सी एन है, सी एच है, सी एल है ऊपर नीचे, तो कैंसिल कर जाएंगे और म्यू ए जीरो होगा तो एक्स ए, और एक्स ए प्लस एक्स जी दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन। ये मैं प्रूव कर दूंगा अभी दोबारा, लेकिन अभी तुम्हें ये फॉर्मुला ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। डाइपोल मोमेंट हाउ टू कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, क्लियर, हाउ टू कैलकुलेट ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, ये नोट कर लेने एक बार। नोट करना फिर आगे। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, चलो एक दो बार स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद आगे स्टडी करेंगे। सपोज मेरे को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसका, ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन, CH2 CH2 CH3। सपोज ये स्ट्रक्चर ट्राई करना है तुम्हें, ये हमारा फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है, तो इसका स्ट्रक्चर ट्राई करें जल्दी से, फ्रंट कार्बन है बैक कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसके क्वेश्चन इवन जे एडवांस लेवल तक भी आए हुए हैं, तो ये तुम्हें आना चाहिए। ट्राई कर लिया है सर? हाँ एक बार ऊपर का बता दो, अभी रिपीट होगा अभी दोबारा, बस फॉर्मूला नोट कर ले, वो डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं कंफर्मेशन में, वो फॉर्मूला बताया है, जी यहाँ पे गॉच है, ए आई एन टी, क्या बोला है, ए क्या है यहाँ पे, एन टी, एन टी है ट्रांसफॉर्म। ओके सर, ये इफ म्यू ए है, मैक्सिमम केसेस में म्यू ए जीरो होता है। चलो अभी ये बना लिया होगा तुम लोगों ने, फ्रंट और बैक कार्बन मैंने तुम्हें दे रखा, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, सही ना, फ्रंट कार्बन दे रखा है और बैक कार्बन दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करना है न्यूमैन की फॉर्म में, न्यूमैन की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर ट्राई करना है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ट्राई करेंगे, ध्यान देंगे, फ्रंट और बैक कार्बन, क्लियर, फ्रंट और बैक कार्बन, और स्टेबल फॉर्म बनानी है, कौन सी फॉर्म बनानी है, स्टेबल, ये मतलब ये तुम बना ही दिया करो, स्टैगर्ड फॉर्म बोलिए ना, स्टेबल फॉर्म में स्टैगर्ड फॉर्म ये बोला है तो इसको बनाई दिया करो पहले। अब इसका फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन होता है अंदर, फ्रंट कार्बन के साथ, फ्रंट कार्बन के साथ दो तो एच हैं, दो एच हैं और एक साइक्लोहेक्सेन है, फ्रंट कार्बन के साथ दो एच हैं और एक साइक्लोहेक्सेन, तो ये दिखाया मैंने दो एच और एक लिया साइक्लोहेक्सेन, किसी को कोई डाउट इसमें, फ्रंट कार्बन के साथ दो एच हैं और एक साइक्लोहेक्सेन, अब बैक कार्बन के साथ क्या है, दो एच और एक मिथाइल, अब मिथाइल को कहां रखेंगे हम, ये फ्रंट कार्बन है, हाँ ये फ्रंट कार्बन और ये पीछे वाला बैक कार्बन, सर्कल जो है वो बैक कार्बन है, अब दोनों एच रखेंगे हम कहां पे, इधर, ताकि रिपल्शन नहीं हो, और मिथाइल नीचे, मिथाइल ग्रुप नीचे, समझ आ गया कैसे बनाना है। यस सर, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, चलो ये मैं मान रहा हूँ तुम्हें समझ आ गया। फिर नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन के अंदर सपोज इसके बहुत सारे, ऐसा नहीं यही तरीका बनाने का इसका, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, देखते हैं और तरीका क्या है। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं तुमसे कह देता हूं कि फ्रंट कार्बन है ये और बैक ये है, अब बताओ कैसे बनेगा,
ट्राई कर लिया ये मुकुल? यस सर, कर रहे हैं। देखो बहुत जल्दी बनाना आना चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चंस भी जेई एडवांस लेवल तक आए हुए हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं मानना कि बहुत इजी है। ये फ्रंट कार्बन, और फ्रंट कार्बन के साथ क्या है ध्यान देंगे, ये फ्रंट कार्बन है इसमें, ये फ्रंट कार्बन मैंने अगर ये लिया बीच वाला, तो इसके साथ दो बॉन्ड तो एक साथ जा रहे हैं, इसी कार्बन के साथ दो बॉन्ड एक साथ जा रहे हैं, तो दो बॉन्ड कोई भी मान लो मैंने ले लिया ये, ध्यान देंगे इधर कैसे बना रहा हूं मैं, डाउट किसी को इसमें? और एक क्या है इस फ्रंट कार्बन से, एच, दो तो बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन के और एक है एच, तो एक एच मैं इधर दिखाऊंगा, इसी कार्बन में होनी चाहिए, फ्रंट वाले कार्बन पे ही ये फ्रंट कार्बन है, इसी के तीनों बॉन्ड सेटिस्फाई होने चाहिए, किसी को डाउट कोई, किसी नहीं सर। बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? हाँ, अब बैक वाले कार्बन पे क्या है, देखो बैक वाला कार्बन ये रहा, बैक वाले कार्बन के साथ दो तो दो एच हैं, और दो एक एच सीटेंस हैं, से। एक सी डिच फाइव, तो सी डिच फाइव को मैं रखूंगा किससे दूर, दो दो एच तो मैं एक एच तो यहीं लगाऊंगा, एक एच यहाँ लगाऊंगा और सी डिच फाइव को ऐसे, कोई डाउट? और कोई तरीका तो नहीं है ना? नहीं सर। देखो सारी पोजीशंस क्या इक्विवेलेंट है इसमें, चेक करो, यही बनेगा कि नहीं कुछ और बनेगा? कुछ यही बनेगा सर, और नहीं बन रहा कोई। हाँ भी ट्राई कर लो सब यही चीज आएगी। देखो अगर मान लो मैं हटा के दिखा भी देता हूं तुम्हें, इसको बहुत ढंग से क्लियर करना, कोई गलती ना हो इसमें। मान लो मैंने फ्रंट वाले कारण पे साइक्लोहेक्सेन ऐसे दिखा दिया, तो एच आएगा इसका ऊपर, ये आ गया, अब एक एच नीचे, एक एच यहां, एक सी बिछवाई, कोई डाउट? नहीं सर। चलो नेक्स्ट ट्राई करेंगे फिर। ये तुम्हें समझ आ गया ना कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ट्राई करो तुम। चलो इसको ले लेते हैं, सब चीजें तो एक ही हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलो इसको ट्राई करो, इसको मानना फ्रंट, फ्रंट और बैक बनाओ स्ट्रक्चर्स का। इसको बनाते हो, वन कैसे? दोनों बनाओ, फर्स्ट इसको सेकंड इसको, फ्रंट बैक कार्बन में मैंने चेंज किया और कुछ नहीं किया इसके अंदर। स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है, रिपल्शन मिनिमम हो, बन गए सर। चलो ध्यान देंगे, पहले फर्स्ट वाला बना रहा हूं मैं, स्टेबल फॉर्म बनानी है तो स्टैगर्ड बना के रख लिया, और पहले स्टैगर्ड बना लिया, इसके बाद अब फ्रंट वाले कारण पे, फ्रंट वाले कारण पे क्या है, एक एच है और साइक्लोपेंटेन है, एक एच और साइक्लोपेंटेन, ये दिखा दिया मैंने, मान लो साइक्लोपेंटेन मैं नीचे दिखा रहा हूं, कहीं भी दिखा सकते हैं, उसी कारण पे होना चाहिए बस, ये दिखा दिया, और इसके साथ एक और क्या है, एच, बैक वाले कारण पे एम ई है
और ईटी है और एच है, एच तो लगा दिया नीचे रिपल्सिव मिनिमम करने के लिए, एम ई इधर लगा दिया, ईटी कहीं भी लगा दो एक ही बात है। समझ आ गया कैसे बनाना है? ये फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, कोई डाउट किसी को? नहीं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सबने बना लिया है? यस सर। बना लिया। अब सेकंड, अब देखेंगे सेकंड स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे सेकंड स्ट्रक्चर इसी में। सेकंड स्ट्रक्चर में देखेंगे कोई चेंज क्या आएगा। देखो अब फ्रंट कार्बन पे है एक एच, एक एम ई और एक साइक्लोपेंटाइल, एच एम ई और साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल दिखा दिया ये, एक एच है एक एम ई, एक एच और एक एम ई, और बैक वाले कार्बन पे वो जो सी एच टू सी एच थ्री है दो एच है और एक एम ई है, दो एच है और एक एम ई, तो इसको हमें दिखाना पड़ेगा। एम ई को देखो हम कहाँ रखें कि रिपल्शन में नहीं हो, हम उस एम ई को सिर्फ नीचे ही रख सकते हैं। अगर यहां रखा है एम ई को तो दोनों से रिपल्शन होंगी, यहां रखा है एम ई को तो बड़े ग्रुप से रिपल्शन ज्यादा होंगी साइक्लोपेंटाइल से, इसलिए एम ई को नीचे रखा। समझे कि नहीं है? नहीं समझाया ये? और दो एच, यस सर आया। ये बनेगा स्ट्रक्चर इसका, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर था इसका। क्या फर्स्ट और सेकंड जो दो स्ट्रक्चर बनाए हैं वो दोनों सेम है कि अलग है? सेम कंपाउंड के स्ट्रक्चर थे, अलग थे? सेम कंपाउंड के। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो मल्टीपल चॉइस में होगा वो, तो वो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ आ गया? हाँ सर। अब एक स्ट्रक्चर और ट्राई करेंगे फिर आगे करेंगे। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए सबको। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं इसमें, चलो ये लेते हैं। एम ई ई टी फ्रंट मानना है इसको, बैक मानना है इसको, ट्राई करो। बना लिए सर। चलो नोट करेंगे फिर। और किसी में आया मुकुल के अलावा? देखो yes, सेम वही तरीका बना लिए। हाँ चेक करा करो। यस सर। ये बना लिया पहले, स्टैगर्ड फॉर्म बना लिया करो पहले, चाहे ऊपर की तरफ से चाहे नीचे की तरफ से। फ्रंट कार्बन पे क्या क्या है? देखो एक तो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप ये बना दिया मैंने, और एक है H, यही है, और साइक्लोहेक्साइल पे कहीं पे भी एमी लगा दो, यहां लगा दिया मान लो एमी मैंने, यहां पे भी लगाते हैं और यहां पे भी लगाते थे, मैंने एक तरफ लगा दिया एमी। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बैक वाले कार्बन पे क्या है? एक एच है, एक एच है और फिर साइक्लोपेंटाइल है, साइक्लोपेंटाइल बनाया मैंने ऊपर की तरफ बैक वाले कार्बन पे, ध्यान देंगे। ये आ गया साइक्लोपेंटाइल, कोई डाउट किसी को? एच तो दिखा दिया बिल्कुल नीचे, एच नहीं है, और ईटी कहां दिखाना है? इससे दूर यानी इस साइड। डाउट किसी को इसमें? नो सर।
समझ आ गया कैसे करना है ये? यस सर तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने तुम्हें आने चाहिए, इजी है स्ट्रक्चर बनाना, जिस तरह से मैं स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया मैंने, स्टेबल स्ट्रक्चर तो इजी है बनाना, टफ नहीं है, बस तुम्हें पहले स्टैगर्ड फॉर्म बनानी है, फिर वैलेंसी को सेटिस्फाई करना और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कोई भी कंपाउंड कैसा भी आ जाए उसके दो तीन तरीके से कंफर्मेशन बन सकते हैं, वो तुम्हें बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट ना टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी नोट कर लेंगे एक बार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जैसे अगर मैं बात करूं पैरा स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ये मैं तुम्हें आईयूपीएसी नेमिंग में भी सिखा चुका हूं। एंगल स्ट्रेन जैसे अगर मैं बात करूं, एंगल स्ट्रेन क्या है कि जैसे साइक्लोरोपेन है, साइक्लोरोपेन में एंगल कितना आता है? 60 डिग्री आता है। साइक्लोरोपेन में एंगल आ रहा है 60 डिग्री, होना कितना चाहिए था? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का, एंगल आता है कितना? 60 डिग्री का। तो इसमें स्ट्रेन कितना था, किसी को भी याद है ये? नहीं ध्यान में, आईपीसी में बता रखा है हाफ इंटू 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60 डिग्री, ये नीट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइनस 60 डिग्री तो कितना आएगा ये सॉल्व करने पर? सॉल्व करना सिखाया था उस समय मैंने, डिफरेंस आ रहा है 49 डिग्री 28 मिनट का हाफ, 49 डिग्री 28 मिनट का हाफ, तो इसका हाफ है, मैंने कहा 48 डिग्री मान लो पहले इसको, 48 डिग्री 28 मिनट, एक डिग्री 60 मिनट की होती है तो 24 डिग्री तो आ ही गया, अब बचा क्या? एक डिग्री 28 मिनट, एक डिग्री 28 मिनट का मतलब 88 मिनट, 88 मिनट का आधा कितना होगा? 44 मिनट, इतने का स्ट्रेन है। हाफ क्यों किया मैंने स्ट्रेन को, जबकि स्ट्रेन तो यही होना चाहिए ना 49 डिग्री 28 मिनट का, हाफ क्यों किया इसको? तो दोनों साइड से वो कम होगा, और अच्छी विधि, इस साइड से भी कम होगा, इधर से भी कम होगा, इसलिए हाफ करते हैं इसको, एक साइड का स्ट्रेन काउंट करते हैं तो ये आएगा। ऐसे ही अब साइक्लोप्रोपेन में ये स्ट्रेन है और इसमें तीन एटम्स हैं, तीन एटम्स तो एक ही प्लेन में रहेंगे, तीन एटम्स क्या, दे कैन बी प्लेनर, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसमें अगर तुम प्लेनरिटी डिस्टर्ब, देखो इसमें जो एच है, दो एच लगे हुए, इसके दो एच लगे होंगे इसमें, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर मैं इसकी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करता हूं क्योंकि इन एच में रिपल्शंस हो रही हैं, इस एच में मतलब इन सब में रिपल्शंस होंगी, तो अगर मैं इस स्ट्रेन को कम करना चाहता हूं, इसे बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, क्या बोलेंगे, इनके बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होती है, जैसे इसके बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स ये है, ये एक मिनट रुको, ये इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके बॉन्ड, इनके बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होती है, अगर मेरे को वो रिपल्शंस कम करनी है तो मेरे को इसकी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मतलब इसका साइक्लोप्रोपेन का कोई एक कॉर्नर मुझे ऊपर की तरफ उठाना होगा, समझे कि नहीं? लेकिन अगर मैं प्लेनरिटी डिस्टर्ब करता हूं तो एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा और ज्यादा कि नहीं? अगर मैं इसकी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करूंगा, इस मान लो इस कॉर्नर को मैं ऊपर की तरफ उठाता हूं तो इससे एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा कि नहीं? मान लिया मैंने ग्रुप दूर हो जाएंगे, एच थोड़े दूर हो जाएंगे, लेकिन इसमें एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, और ये तो पहले ही तकलीफ में था, इसका तो पहले 60 डिग्री, इसका तो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेन था, तो अब क्या होगा, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी प्लेनरिटी को लूज नहीं कर सकता, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, दैट्स व्हाई साइक्लोप्रोपेन इज ओनली कंसीडर्ड टू बी प्लेनर, साइक्लोप्रोपेन इज द ओनली साइक्लो कंपाउंड विच इज प्लेनर, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, इसमें तीनों एटम्स कार्बन के एक ही प्लेन में होते हैं, समझ गए कि नहीं? ये तो ये चीज रखना, इसके अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं बनती है, ये याद रहनी चाहिए लाइन तुम्हें, इसके अंदर कोई भी कंफर्मेशन नहीं बनेगी, तीनों कार्बन एटम कैन, तीनों जो कार्बन एटम इसके अंदर, ऑल द थ्री कार्बन एटम्स कैन रिमेन इन द सेम प्लेन इफ प्लेनरिटी इज डिस्टर्ब्ड टू रिड्यूस टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड के अंदर उनमें जो रिपल्शन होती है वो क्या है? टॉर्सन स्ट्रेन। अगर हम इसके अंदर प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करते हैं टू रिड्यूस द टॉर्सन स्ट्रेन तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, विच इट कांट अफोर्ड, देयरफॉर साइक्लोप्रोपेन इज कंसीडर्ड टू बी प्लेनर, इसलिए ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, याद रखना। तो यहां इस और इसी वजह से इसके कंफर्मेशन नहीं बनते, इसके कंफर्मेशन
नहीं बनते हैं, समझे कि नहीं, स्टेबल नहीं है बिल्कुल ये। अच्छा, और इसलिए साइक्लोप्रोपेन जो है मोस्ट रिएक्टिव है। स्कूल में 11th क्लास में एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाई साइक्लोप्रोपेन इज मोस्ट रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंगल स्ट्रेन इन इट। ये सिंपल सा आंसर है, समझे कि नहीं। तो 11th क्लास में बस यही क्वेश्चन आता है और नहीं आएगा। अब मान लो साइक्लोब्यूटेन लिया मैंने, ध्यान देंगे, साइक्लोब्यूटेन ये बन गया, एंगल कितना है इसमें 90 डिग्री का, स्ट्रेन निकाल लोगे ना इसमें, स्ट्रेन निकाल लोगे इसके अंदर, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसके अंदर स्ट्रेन निकाल लेंगे। अब इसमें एंगल है 90 डिग्री, 9 डिग्री 44 मिनट्स, तो इसमें स्ट्रेन तुम निकाल लोगे। अब इसके अंदर दिस मॉलिक्यूल, दिस साइक्लोब्यूटेन मॉलिक्यूल कैन लूज इट्स प्लेनरिटी, ये नॉन प्लेनर हो सकता है, मतलब इसमें जो एच लगे हुए हैं उनमें जो रिपल्शन हो रही है, जैसे ऊपर नीचे एच होंगे ना इसमें, ऐसे ये एच नीचे, ये एच ऊपर, नीचे ऊपर, तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्लेनरिटी को लूज कर सकते हैं। कैसे लूज कर सकते हैं इसकी प्लेनरिटी को, इसकी प्लेनरिटी को कैसे लूज करते हैं, या तो हम ऑपोजिट कॉर्नर वाले जो एच है वो ऊपर हो सकते हैं या नीचे हो सकते हैं, इस तरह से प्लेनरिटी लूज करता है। और प्लेनरिटी क्यों लूज करता है, ताकि जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो कम हो जाए, समझ गए कि नहीं, ये नहीं समझ रही बात, जैसे ये रहा स्ट्रक्चर, देखो एक बार दोबारा देख लो, एक एच ऊपर तुम्हारी तरफ आता हुआ, एक पीछे की तरफ, ऐसे इधर भी होगा, होगा ऐसे कि नहीं, इसको ऐसे ज़ूम करो, एक एच तुम्हारी तरफ है, एक पीछे की तरफ है, तो इनमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन बॉन्ड्स के अंदर, उनमें रिपल्शन होंगी, जो यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे सी एच बॉन्ड दोनों, इनमें रिपल्शन होंगी कि नहीं, तो इन रिपल्शन को कम करने के लिए जिसे बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, इन रिपल्शन को, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन एटम, याद आ गया कुछ नहीं है, ये था टॉर्सनल स्ट्रेन। तो इन रिपल्शन को कम करने के लिए हम इसकी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करते हैं, कोई भी दो ऑल्टरनेट कार्बन, कोई भी दो ऑल्टरनेट कार्बन, तुम ऐसा सोचो, इसे इसको सोचो ऐसा कि कोई भी दो, जैसे एक तुम्हारे पास पेज है, एक पेज के स्क्वायर फॉर्म में एक पेज है, उसमें जो अल्टरनेट कॉर्नर्स हैं उन दोनों कॉर्नर्स को ऊपर कर दो या उन दोनों कॉर्नर्स को नीचे कर दो, तो इससे इसका टॉर्सनल स्ट्रेन रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत एंगल स्ट्रेन फिर बढ़ जाएगा, लेकिन ये अफोर्ड कर सकता है, इट कैन लूज इट्स प्लेनरिटी, इट कैन लूज इट्स प्लेनरिटी, ये अपनी प्लेनरिटी को लूज कर सकता है, तो ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल माना जाता है, समझे कि नहीं, ये क्या माना जाता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, मतलब कुछ ऐसा कर सकता है ये, जैसे अगर मैं कहूँ इसके ऑल्टरनेट कॉर्नर्स नीचे हो रहे हैं, चलो एक बार देखते बनाते हैं, ये ऐसे बना नीचे की तरफ और इसका ये कॉर्नर भी नीचे की तरफ, कुछ ऐसा सोच पा रहे हो क्या, दो साइक्लोब्यूटेन था, उसके दोनों कॉर्नर मैंने नीचे की तरफ कर दिए, दोनों कॉर्नर को मोड़ करके, नहीं सोच पा रहे, नहीं क्लियर हो रहा, ऐसा अज्यूम करो दो कॉर्नर्स मैंने नीचे कर दिए, या दो कॉर्नर्स तुम ऊपर कर लो उसको, वो एक ही बात होगी, मैंने जो पेज वाला एग्जांपल दिया ना, पेज लिया स्क्वायर फॉर्म में और दो अल्टरनेट कॉर्नर्स को तुम ऊपर कर दो या दोनों अल्टरनेट कॉर्नर्स को नीचे कर दो, कुछ ऐसा, ये इसको करते हैं ऊपर की तरफ, एक मिनट, समझे कि नहीं, ये मैंने कर दिया ऊपर की तरफ दोनों कॉर्नर को, ये दो कॉर्नर मैंने नीचे किए थे इधर, ये वाले, ये कॉर्नर नीचे, ये कॉर्नर नीचे, ऐसे इसको किया ऊपर, ये भी ऊपर किया, तो इस तरह से इसका टॉर्सनल स्ट्रेन तो कम हो जाता है, एंगल स्ट्रेन हल्का बहुत बढ़ जाएगा जो ये अफोर्ड कर सकता है, जो ये अफोर्ड कर सकता है। इधर हम क्या कर रहे हैं, हेयर ऑल्टरनेट कार्बन एटम्स दे मूव इधर अबव द प्लेन और दे मूव बिलो द प्लेन टू रिड्यूस टॉर्सनल स्ट्रेन, दो एंगल स्ट्रेन इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, एंगल स्ट्रेन इंक्रीज स्लाइटली विच इट कैन अफोर्ड, नहीं समझ आया ये, इसीलिए इसके दो कन्फर्मेशन पॉसिबल होते हैं, समझिए कि नहीं, इसमें दो कन्फर्मेशन पॉसिबल होते हैं, इतना जितना बता रहा हूं उतना दिमाग में रखो कि एटलीस्ट तुम्हें ये तो याद रहेगा ना कि ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ये याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आया साइक्लोपेंटेन, ये 11th वाले बच्चों को किसी को समझ आया कि नहीं, मुकुल
यस सर आया है। विधि? यस सर आ गया। तो ये बहुत टफ नहीं है, अज्यूम करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ भी, सही ना। तो ये मैंने बताया साइक्लोब्यूटेन का, ऐसे ही साइक्लोपेंटेन है ना, किसी एक कॉर्नर को ऊपर नीचे करते हैं, एक कॉर्नर को ऊपर नीचे करते हैं। तो अगर एक कॉर्नर को मैंने ऊपर कर दिया तो उससे ना साइक्लोपेंटेन के अंदर एनवेलप फॉर्म आती है, समझ गए कि नहीं? क्या आएगी? एनवेलप फॉर्म। और एक कॉर्नर को इसके अंदर ऊपर, ये एक कॉर्नर ऊपर किया मैंने जब, वन कार्बन अबव, और एक कार्बन को ऊपर और एक कार्बन को मैंने कर दिया नीचे, एक कार्बन को ऊपर और एक कार्बन को नीचे कर दिया, तो उस केस में आ जाएगी, एक कार्बन ऊपर कर दिया, कार्बन नीचे कर दिया, तो आता है हाफ चेयर फॉर्म कहते हैं, हाफ चेयर फॉर्म, क्लियर? क्या बोलते हैं? हाफ चेयर, वन कार्बन अबव साइक्लोपेंटेन के अंदर एंड वन कार्बन बिलो, ये आएगी हाफ चेयर। मतलब कैसे कहते हैं? मतलब जब एक ही कार्बन को ऊपर किया, सिर्फ एक कार्बन को ऊपर कर दिया, वन कार्बन मूव्स अबव, मतलब कुछ मैं अगर बनाऊं उसको तो मान लो ऐसा था ये, ये इस टाइप से कुछ रहा होगा, एक कार्बन को मैंने ऊपर कर दिया, ऊपर करने का मतलब है, मैं इसको दिखाता हूँ अगर क्लियर होता तो, मैं ये हटा दिया मैंने और इसको मैंने कर दिया ऐसे, ये ऐसे था और मैंने कर दिया इसको नीचे इस तरीके से, और ऊपर कर दिया, सॉरी, कुछ समझ आया क्या? ये तो नहीं आया, मतलब एक एनवलप, एनवलप जैसी शेप बन जाती है। हाँ, ये ऐसे था ना, देख पहले ये ऐसे था ना, अब मैंने हाँ। इस कॉर्नर को उठाकर ऊपर कर दिया, ये हटा दिया, ये ऊपर कर दिया ऐसे। अच्छा, तो ये कुछ एनवेलप जैसी शेप आती है, इसको मैं बोलते हैं क्या कहते हैं, एनवेलप फॉर्म, इसको एनवेलप फॉर्म कहते हैं, जिसमें एक कार्बन ऊपर की तरफ होता है। और ऐसी ना हाफ चेयर की फॉर्म भी आती है, हाफ चेयर की फॉर्म, हाफ चेयर की फॉर्म में क्या करेगा, एक कार्बन को ऊपर, एक कार्बन को ऊपर और एक कार्बन को नीचे, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, कुछ सोच पा रहा है कि नहीं? एक कार्बन हाफ चेयर भी और बता दो कैसे, जैसे एनवेलप आपने दिखाया था। एनवेलप में देखिए, इसमें ना, इसमें ऐसे कह ले बस, इसमें पूरा बनाना टफ हो जाएगा, एक कार्बन ऊपर हो गया और एक कार्बन नीचे की, ये वाला कार्बन जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ये डॉटेड दिखा दे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे, इसको ये दिखा हटा दे, ये कुछ ऐसे होगा, एक कार्बन ऊपर की तरफ, एक कार्बन नीचे की तरफ, तो ये हाफ चेयर फॉर्म, ये ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पूछता नहीं कोई भी वाली चीज, ये बस बता दिया कि ऐसा होता है कुछ बस। अब साइक्लोहेक्सेन रह गया ना, साइक्लोहेक्सेन का ध्यान रखना है, साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जितने भी साइक्लोएल्केन्स है इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन में क्या आ गया, एंगल कितना होता है 120 डिग्री का, इसमें एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री का, समझे कि नहीं? अब इसके अंदर तो नेगेटिव में स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन है कि नहीं इसके अंदर? है सर, है। और हर जगह एच, हर जगह इसमें एच होंगे इस तरीके से, ऊपर नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हर जगह होगा ऐसे कि एच की नहीं, बोलो? यस सर। वो हर बॉन्ड में रिपल्शन, यहाँ पे बॉन्ड जो है रिपल्शन, दो चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सब में रिपल्शन होंगी बहुत ज्यादा कि नहीं? तो अब टॉर्सनल स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे इसके अंदर, हम टॉर्सनल स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए इसको इसको नॉन प्लेनर करेंगे, इसको नॉन प्लेनर करेंगे कि नहीं? तो टॉर्सनल स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए जब इसको नॉन प्लेनर करते हैं, उस केस में, उस केस में जीरो एंगल स्ट्रेन आता है इसके अंदर, ध्यान रखना क्या आएगा, जीरो एंगल स्ट्रेन और जीरो टॉर्सनल स्ट्रेन, दोनों जीरो हो जाते हैं, इसलिए मोस्ट स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट स्टेबल। हीट ऑफ कंबशन जो एनर्जी
पर कार्बन एटम जो रिलीज होती है, हीट ऑफ कम्बशन जो होती है ना इसकी, वो भी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इसलिए भी स्टेबल है। लेकिन एग्जैक्ट रीजन ये है इसका, जब हम इसकी स्ट्रेन को, टॉर्सनल स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए इसको नॉन प्लेनर करते हैं, उस केस में एंगल स्ट्रेन भी इसका जीरो हो जाता है। अभी तो एंगल स्ट्रेन था इसमें नेगेटिव में, एंगल स्ट्रेन भी जीरो हो जाता है और टॉर्सनल स्ट्रेन भी जीरो हो जाता है, तो ये इसलिए सबसे रेसिबल होता है, इसलिए सबसे रेसिबल होता है। अच्छा इसके अंदर क्या करोगे तुम स्टेबिलिटी पाने के लिए, इसकी क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बोलो इसमें, क्या मुकुल बताओ इसमें क्या कर सकते हैं स्टेबिलिटी बढ़े इसकी? एक कार्बन ऊपर करना, एक कार्बन नीचे, कैसे होता है बता? सर ये कोने वाले जो हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक ऊपर और एक नीचे, चेयर बन जाएगी कि नहीं? यस सर। ये ऐसे था ना, इसको कर दिया मान लो नीचे, इसको कर दिया मान लो ऊपर, तो चेयर की फॉर्म आएगी कुछ की नहीं? हल्का सा होता है, हल्का सा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, तो एक चेयर की फॉर्म आती है। कोई डाउट? नहीं। बोलो किसी को पूछना तो। जैसे इसको या ऊपर कर दिया, एक ही बात है, ये इन्वर्ट चेयर हो गई, इसको नीचे। हाँ बोल चिराग। सर आपने बोला कि इसकी हीट ऑफ कम्बशन ज्यादा होती है, मतलब बाकी सबसे ज्यादा होती है, बाकी सबसे ना, क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी हीट ऑफ, सॉरी कम होती है, मैं गलत बोल गया, हाँ चिराग कम होगी, जो हीट ऑफ कम्बशन है पर मोल ऑफ कार्बन एटम इसकी, क्योंकि स्टेबल है तो एनर्जी इसके अंदर कम होगी, तो हीट ऑफ कम्बशन होगी पर मोल ऑफ कार्बन, वो क्या होगी, कम होगी, समझा कि नहीं? जब CO2 में और H2 में कन्वर्ट होगा, समझ गया कि नहीं चिराग? हाँ सर। तो ये ध्यान रखना अब इसकी, हाँ तो इसमें अब ध्यान रखना, ये क्या है साइक्लोहेक्सीन, इसकी चेयर फॉर्म, इसकी चेयर फॉर्म बनी, जैसे ये बना देता हूँ मैं एक बार, चेयर फॉर्म बनाने का तरीका भी देखेंगे, ये बनेगी इसकी चेयर फॉर्म, ध्यान देंगे इसको, दो पैरेलल लाइंस बनाते थे पहले हमेशा बनाने के लिए, हमेशा ऐसे करना, चेयर फॉर्म ऐसे बनेगी, मैं बहुत बार बनाऊंगा इसको भी, चेयर फॉर्म के लिए दो पैरेलल लाइंस बना दी, उसके बाद क्या करोगे, इंसर्ट वी करोगे, दो वी को इंसर्ट करना, एक ऐसे, तरीका ये होना चाहिए बनाने का, और एक इस तरीके से, कोई डाउट? ये बन गई चेयर फॉर्म, देखो समझ आया कि नहीं? ये चेयर फॉर्म है और इन सब पे के ऊपर एच लगे होंगे, चेयर फॉर्म बनाना आ गया कि नहीं 11th वाले बच्चों को स्पेशली, चेयर फॉर्म कैसे बनानी है? बोलो। यस सर। इसमें तुम्हें दिख रहा है तीन कार्बन नीचे की तरफ है, तीन कार्बन ऊपर की तरफ? हाँ सर। देखो ये कार्बन ऊपर की तरफ, ये कार्बन ऊपर की तरफ, ये कार्बन ऊपर की तरफ, दिख गए तीन कार्बन ऊपर की तरफ और तीन कार्बन नीचे, देखो तीन कार्बन नीचे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, किसी को कोई डाउट? यस। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसके स्ट्रक्चर बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि दो लाइंस दो छोड़ करके पैरेलल होनी चाहिए, जैसे देखो ध्यान देना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं एक लाइन ये वाली, ये बनाया, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, दो छोड़ करके कैसे, फिर मैंने बनाया ना ऐसे, ये देखो अब लाइन पैरेलल कौन कौन सी है, ये लाइन पैरेलल है, दो छोड़ी है लाइनें कि नहीं बीच में, इनके दो छोड़ी है कि नहीं, ये वाली दो, देखो एक ये वाली, एक ये वाली, छोड़ी है कि नहीं ये? कोई डाउट तो नहीं है? अब उसके बाद और भी को दो लाइन चेक करो, अब ये लाइन देखो, दो ये वाली लाइन देखो, ये दो छोड़ दो लाइन है, कोई भी दो लाइन छोड़ दो, तो ये और ये पैरेलल है कि नहीं? Yes. ऐसे ही दूसरी और देख गई दो, ये वाली दो देखो, ये वाली और ये वाली, दो छोड़ के पैरेलल आ रही है कि नहीं? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है?
सर तो मतलब ये पैरेलल हुई तो हुआ क्या इससे? हुआ कुछ नहीं, ये तरीका है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, मतलब गलत स्ट्रक्चर नहीं बनाना इस तरीके से, मतलब गलत बना देते हैं कई बार, ये बनाया ऐसे, कई बार गलत होता है, पैरेलल लाइन नहीं आती, समझे कि नहीं, तो उसके इसमें गलत माना जाता है स्ट्रक्चर, ये चेयर फॉर्म में यही बनी। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा ये चेयर फॉर्म बना दी मैंने, चेयर फॉर्म तुम्हें समझ आ गया कैसे है? मुकुल क्लियर हो गया ना? एक कार्बन मैंने इसमें ऊपर किया हुआ है, ये वाला कार्बन ऊपर किया हुआ है, ये कार्बन नीचे किया हुआ है, कोई डाउट? नहीं सर डाउट नहीं। हाँ ये चेयर फॉर्म में, अब मान लो इसके अंदर ही मैं इसके एक सर हाँ बोलो जैसे आपने ऊपर वाला कार्बन है जो हरे से मार्क किया वो मैं ऊपर कर दूं और नीचे काला वाले जो ऊपर कर रखे उसे नीचे कर दूं। हाँ एक ही बात है, वो तो बराबर स्टेबिलिटी है, वो उसे कहेंगे इनवर्ट चेयर। अच्छा उसे कहेंगे इनवर्ट चेयर। अब इसमें क्या किया मैंने, अगले में देखना, उससे अगला केस जो है, मान लो मेरे को इधर ड्रॉ करना है, इसमें मैंने एक वाले कार्बन को तो ऊपर ही रहने दिया, एक को तो ऊपर रहने दिया और एक को कर दिया प्लेन में इस तरीके से कुछ बनाना थोड़ा सा एक मिनट जाएंगे। इसको ना कुछ ऐसे करना है, इसको मतलब एक जो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस वाले कॉर्नर को ना एक प्लेन में कर देना, इस कॉर्नर को एक प्लेन में कर देना, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये ऐसे बनेगा कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। ये इसको एक प्लेन में कर दिया है, यानी इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर उठाकर, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा उठा करके सेम प्लेन में कर दिया, इस पॉइंट को यहां ले आए, बस ये कर दो ऐसे। नहीं समझ आया? तो ये बन गया हाफ